हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बेकरी जैसा चॉकलेट केक बनाएंगे जिसे मैंने बहुत ही इजी इंग्रेडिएंट के साथ बनाया है और आपको यकीन नहीं आएगा कि इस केक को हमने घर में बनाया है। आज का मेरा वीडियो शुरू से लेके अंत तक पूरा देखें, आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। तो चलिए हम चॉकलेट केक बनाना शुरू करते हैं। वेरी टेस्टी चॉकलेट केक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 3/4 कप दूध ले लिया है। दूध जो है वो रूम टेम्परेचर पर है। इसमें हम 2 चम्मच व्हाइट विनेगर डाल देंगे, यानी कि सिरका डाल देंगे। मिक्स कर लेते हैं इसे। आप इस तरह से अगर केक बनाएंगे तो केक बहुत ही टेस्टी और बहुत ही सॉफ्ट बनती है। आप देख सकते कि दूध जो है वो फट गया है इस तरह से। अब नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं। अब हम सबसे पहले इस तरह का एक बड़ा बाउल ले लेंगे, इसके ऊपर इस तरह की छलनी रख देंगे। इसमें मैं 1 कप मैदा डाल दूंगी। आप 1 कप सेट कर लें ताकि आपके मेजरमेंट्स जो है वो बहुत ही अच्छे रहेंगे और केक बहुत ही अच्छी बनेगी। और यहाँ पर मैंने 1/2 कप चीनी ली है, चीनी को मैंने पीस लिया है, उसे डाल देंगे। 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा, 3 चम्मच कोकोआ पाउडर, इन सारी चीजों को हम छान लेंगे। देखिए, हमने सारी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान लिया है। अब इसके बाद हमने जो दूध और विनेगर का मिक्सचर तैयार किया था उसे डाल देंगे हम, और 1/4 कप मेल्टेड बटर डालेंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स के जो मेजरमेंट्स है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। 1 चम्मच वेनिला एसेंस डाल देंगे। मिक्स कर लेंगे इसे हल्के हाथों से। देख सकते हैं हमारा परफेक्ट चॉकलेट केक का बैटर जो है वो रेडी हो गया है। अब इसे ले चलते हैं कंटेनर की तरफ। तो इस तरह का मैंने केक टिन ले लिया है। केक टिन में मैंने बटर ग्रीस कर लिया है और इसके नीचे मैंने बटर पेपर लगा दिया है। अब इस बैटर को इसमें डाल देंगे। इस तरह से सेट कर लेते हैं टैप करके। अब ले चलते हैं इसे कढ़ाई की तरफ। कढ़ाई को मैंने 10 मिनट पहले प्रीहीट करने के लिए रख दिया था, तो इस केक को आज हम कढ़ाई में बेक करेंगे। तो अब हम कढ़ाई का ये ढक्कन जो है उसे खोल लेंगे। मैंने इस तरह का जाली स्टैंड रख दिया है अंदर। मैंने ना ही नमक का यूज किया है और ना ही पानी का यूज किया है। इसी तरह से केक जो है वो अच्छी बेक हो जाएगी। इसमें हम कंटेनर रख देंगे। अब इसे ढक कर हम लो फ्लेम कर देंगे और इसे 30 से 35 मिनट के लिए इसे बेक कर लेंगे। 35 मिनट हो चुके हैं, देख लेते हैं केक को। टूथपिक या नाइफ को इंसर्ट करके चेक कर लेंगे हम। ये देखिए, केक जो है वो अच्छा बेक हो गया है। टूथपिक एकदम क्लीन निकली है हमारी। गैस ऑफ कर लेंगे और केक को एकदम पूरी तरीके से ठंडा कर लेंगे। अब हम केक का डेकोरेशन करेंगे, तो उसके लिए हम सबसे पहले एक पैन ले लेंगे। इसमें हम 200 ml यानी कि 200 ml फ्रेश क्रीम डाल देंगे। क्रीम में एक अच्छा उबाल आ जाए तब तक हमें इसे गर्म करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्रीम में उबाल आ गया है। गैस ऑफ कर लेते हैं और चलते हैं चॉकलेट की तरफ। तो यहाँ पर हमने 200 ग्राम चॉकलेट ले लिया है। इस तरह की चॉकलेट बाजार में इजीली अवेलेबल होती है, इसे मैंने बारीक टुकड़ों में काट लिया है। अब इसके ऊपर हमने जो क्रीम गर्म किया था उसे डाल देंगे। चॉकलेट और क्रीम की जो क्वांटिटी है वो हमें इक्वल क्वांटिटी में लेना है, तो चॉकलेट गनाश बहुत ही अच्छा बनेगा। मिक्स कर लेंगे इसे।
ये देखिए हमारा चॉकलेट गनाश जो है वो बनकर तैयार हो गया है। इसे हम रूम टेम्परेचर पे आने देंगे और तब तक हमारा केक को हम लेवलिंग कर लेते हैं। केक हमारा ठंडा हो चुका है, इसे निकाल लेते हैं। ये देखिए आसानी से केक निकल गया है। इसका बटर पेपर जो है वो भी निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट और कितना स्पॉन्जी हमारा केक बना है। सीधा कर लेते हैं इसे। अब इसे हम काट लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस केक को दो हिस्सों में और डिवाइड कर लेते हैं। अब देख सकते हैं इस तरह से कितना अच्छा हमारा केक जो है वो बेक हुआ है। अब इसके ऊपर हम चॉकलेट गनाश को डालेंगे। इस तरह से फैला देंगे हल्का। अब इसके ऊपर हम दूसरा जो हमने पार्ट कट किया था उसे लगा देंगे। इसके ऊपर भी हम अच्छे से चॉकलेट गनाश को स्प्रेड कर देंगे। जो एजेस है इसमें हम इसी तरह से लगा लेंगे थोड़ा गनाश को, और एक्स्ट्रा गनाश जो है उसे हम टिश्यू पेपर से वाइप कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने प्लेट जो है वो अच्छे से क्लीन कर लिया है। अब इस केक को हम आधा से एक घंटा के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। एक घंटा हो चुका है, केक जो है वो बहुत ही अच्छे से सेट हो गई है, आप देख सकते हैं वीडियो में। अब इसे हम डेकोरेट कर लेते हैं। तो मैं इस तरह के चॉकलेट बॉल्स लाई हूँ इसे डेकोरेट करने के लिए, और कुछ चेरीज से भी इसे डेकोरेट कर लेंगे। तो हमारा अमेजिंग केक जो है वो डेकोरेट हो गया है। अब इसे कट करके दिखाती हूँ। आपने पूरे वीडियो में देखा कि हमने कितनी आसानी से इस चॉकलेट केक को तैयार किया है। तो आप भी इस चॉकलेट केक को ओकेजन्स में बनाए, बर्थडे पार्टीज में बनाए, सभी को बहुत ही पसंद आएगी और बनाना भी बहुत ही आसान है। आज का मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कमेंट जरूर करना,